दोस्तों, पीरियड में अशोकारिष्ट सिर्फ पीना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। अशोकारिष्ट महिलाओं के लिए एक उत्तम टॉनिक है। यह एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो हर प्रकार के स्त्री रोगों के उपचार में लाभदायक होता है। भारत में आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल काफी सालों से किया जा रहा है। आयुर्वेद प्रणाली में अशोकारिष्ट गर्भाशय, जननांग और महिलाओं में अन्य प्रजनन विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। अशोकारिष्ट एक बहुमूल्य जड़ी बूटी होती है जिसका उपयोग गर्भाशय को बेहतर करता है और उसकी लोच बढ़ाता है। यदि गर्भपात के बाद हैवी ब्लीडिंग हुआ हो और गर्भाशय को क्षति पहुंचा है तो ऐसी स्थिति में अशोकारिष्ट बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये डिस्मेनोरेरा और मेनोरागिया का भी इलाज किया जाता है। अशोकारिष्ट महिलाओं के हर समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन कुछ महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि पीरियड में अशोकारिष्ट पीना चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं आज का यह वीडियो में पीरियड में अशोकारिष्ट पीना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक अशोकारिष्ट सिर्फ पीरियड की समस्याओं के निजात दिलाने के लिए बनाई गई है, इसलिए पीरियड में अशोकारिष्ट सिर्फ पी सकते हैं, क्योंकि इसके शक्तिशाली गुणों से भरपूर हर्बल मिश्रण मासिक धर्म में भारी रक्तस्राव, हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय पुटी, गर्भाशय पॉलिप्स और रजोनिवृत्ति ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में बेहद फायदेमंद होते हैं। पीरियड या माहवारी में अशोकारिष्ट सिर्फ पीने के कोई नुकसान नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। अशोकारिष्ट सिर्फ महिलाओं के संबंधित परेशानियों के इलाज में फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये पेट दर्द, कमर दर्द, पाचन की कमजोरी और भूख न लगने जैसे प्रॉब्लम्स में भी उपयोगी साबित होते हैं। ये पूरे स्वास्थ्य में सुधार लाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। पीरियड में अशोकारिष्ट सिर्फ पीने के फायदे। पीरियड से जुड़ी हर समस्या में अशोकारिष्ट सिर्फ बहुत ही फायदेमंद होता है। यह एक हर्बल दवा है जो महिलाओं के लिए डी पीरियड के दौरान बहुत ही गुणकारी है। पीरियड यानी माहवारी में अशोकारिष्ट पीने के निम्न फायदे होते हैं। 1. ये पीरियड में हैवी ब्लीडिंग को कम करता है। 2. पीरियड के दर्द को कम करता है। 3. गर्भाशय की सूजन को ठीक करता है। 4. गर्भाशय की सफाई करता है। 5. अनियमित पीरियड को ठीक करता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।